किसान भाइयों, गेहूं की वैज्ञानिक खेती के बारे में हमने आपको पिछले भाग में जानकारी दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि रबी फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है। और इसकी खेती हमारे बिहार में बड़े पैमाने पर की जाती रही है। हमारी अधिकांश जनसंख्या भोज्य के रूप में गेहूं के ऊपर काफी हद तक निर्भर है, इसलिए यह जरूरी है कि अधिक से अधिक क्षेत्रफल में गेहूं की अच्छी पैदावार कर हम ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करें। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न परिस्थितियों में गेहूं की खेती और प्रभेदों के चयन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप इस बात से अवगत हैं कि गेहूं की खेती के मामले में बिहार में कई तरह की परिस्थितियों वाले क्षेत्र हैं, जैसे कम सिंचाई वाले क्षेत्र, सिंचाई वाले क्षेत्र या देर से सिंचाई वाले क्षेत्र। तो इन परिस्थितियों में अलग अलग प्रभेदों का चयन अगर हम करें तो निश्चित ही अधिक से अधिक पैदावार हम ले सकेंगे और किसान भाई भी अधिक से अधिक फायदे में रहेंगे। किसान भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गेहूं बिहार के रबी फसलों में से एक प्रमुख फसल है। इसकी बहुत सारी उपयोगिताएं हैं, चपाती बनाने में, बिस्कुट बनाने में और बहुत सारी मिठाई बनाने में, बहुत सारी भोज पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। गेहूँ बिहार के एक प्रमुख फसल है, जो इसके धान के बाद इसके ही नंबर आता है। गेहूँ को हम लोग तीन सिचुएशन में खेती करते हैं, जैसे टाइमली सोन रेनफेड कंडीशन में, फिर टाइमली सोन इरिगेटेड कंडीशन में, देन टाइमली लेट सोन इरिगेटेड कंडीशन में। तो ये जो गेहूँ है, टाइमली सोन रेनफेड कंडीशन का गेहूँ नवंबर का आखिरी अक्टूबर का आखिरी सप्ताह से मध्य नवंबर तक लगाया जाता है, और टाइमली सोन इरिगेटेड कंडीशन का सिंचाई वाला जो गेहूं है वो 15 नवंबर से 30 नवंबर तक लगाया जाता है, और एक होता है लेट सोन इरिगेटेड कंडीशन के गेहूं, वो दिसंबर में लगाया जाता है अंतिम सप्ताह तक। तो इसके लिए अलग अलग प्रभेद होते हैं, अलग अलग प्रभेद को अलग अलग टाइम में लगाया जाता है ताकि उपज पूरा मिले। वैज्ञानिक बताते हैं कि गेहूं की खेती तीन परिस्थितियों में की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की असिंचित खेती के बारे में। असिंचित खेती का मतलब है जिसमें कि सिंचाई का बिल्कुल ही साधन उपलब्ध न हो, यानी वर्षा आधारित खेती को ही हम असिंचित खेती कहते हैं। गेहूं की असिंचित खेती के लिए कुछ अनुशंसित प्रभेद हैं जिसे कि वैज्ञानिक उपयुक्त मानते हैं, जैसे HD 2883 यानी HD 2883 असिंचित क्षेत्र के लिए, एक और प्रभेद HP 1493 यानी HP 1493। अगला प्रभेद है MACS 6145 यानी MAC 6145 और RW 3016 यानी RW 3016। साथ ही साथ असिंचित क्षेत्र के लिए एक और प्रभेद जो है वह है C 306 यानी C
06 इन सभी प्रभेदों की बुआई असिंचित अवस्था में की जाती है। असिंचित अवस्था में गेहूं की खेती का उचित समय वैज्ञानिक के मुताबिक अंतिम अक्टूबर से नवंबर मध्य तक कर सकते हैं। अगर बीज दर की बात करें तो पंक्ति से बुआई के लिए इसमें 125 किलो बीज प्रति हेक्टेयर सही माना गया है और इसकी उपज क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। लेकिन छिड़काव विधि से गेहूं की खेती करते हैं तो 150 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर देने की सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि उर्वरक के तौर पर सिर्फ रासायनिक खाद पर निर्भर न रहें, इसके साथ साथ गोबर और कंपोस्ट का भी उपयोग करते रहें। साथ ही यह भी सलाह देते हैं खरीफ मौसम की फसल में गोबर और कंपोस्ट का उपयोग करें तो गेहूं की पैदावार अधिक से अधिक होगी। गेहूं की खेती 3 परिस्थितियों में की जाती है। यदि आप बुआई के ख्याल से, समय के ख्याल से और सिंचाई के ख्याल से यदि बांटा जाए तब पहली जो अवस्था आती है वह है गेहूं की असिंचित खेती। असिंचित का मतलब ही होता है वह परिस्थिति जिसमें कि सिंचाई का कोई साधन नहीं हो। कहने का मतलब कि गेहूं की पूरी फसल यदि वर्षा आधारित मिट्टी में जो सिंचित मॉइस्चर है, नमी है, उसी पर गेहूं की पूरी फसल यदि लेते हैं तो इस अवस्था को कहा जाता है गेहूं की असिंचित खेती। इसमें गेहूं की बुआई अंतिम सप्ताह अक्टूबर से लेकर के मध्य नवंबर तक की जाती है। इसके लिए हाल के वर्षों में कुछ अनुसंधित किस्में आई हैं जिनका की बुआई की जा सकती है। ये प्रभेद इस तरह हैं जैसे HD 2888, HP 1493, MACS 6145, RW 3016 एवं C 306। ये सब उन्नत किस्म के प्रभेद हैं जिनकी बुआई किसान भाई आप असिंचित दशा में कर सकते हैं। इसकी उपज क्षमता है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसमें बीज दर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। यदि आप पंक्ति बुआई करते हैं तब, लेकिन जनरली किसान ब्रॉडकास्टिंग विधि से करते हैं, छिड़काव विधि से करते हैं, इस हालात में बीज की दर करीब 150 किलो प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी होगी 23 सेंटीमीटर। रासायनिक खाद के अलावे, रासायनिक खाद जरूरी है उपज को बढ़ाने के लिए, लेकिन केवल रासायनिक खाद ही हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि अत्यधिक रासायनिक खाद के प्रयोग से जहां हम लोगों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, नाश होती है, वहीं हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। इसीलिए रासायनिक खाद के साथ साथ गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट, इसकी मात्रा होगी 110 क्विंटल से लेकर 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इन खादों का प्रयोग करने का सबसे अच्छा जो मौसम होता है वह है खरीफ मौसम। यदि खरीफ फसल में आप कंपोस्ट का या सड़ी गोबर खाद का प्रयोग कर चुके हैं तब गेहूं की बुआई में इसे प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। किसी कारणवश किसान भाई यदि आप खरीफ फसलों में इसका प्रयोग नहीं किया है तब गेहूं की बुआई के करीब 20-25 दिन पहले आप खेत में इसे छिड़ दें और उसके बाद हल्की उसमें नमी बना दें ताकि खाद अच्छी तरह से सड़ जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक खाद अच्छी तरह सड़ेगा नहीं तब तक वह डिकम्पोज नहीं होगा, और जब तक डिकम्पोज नहीं होगा तब तक वह पौधों को नहीं लगेगा, पौधा उसे अवशोषित नहीं कर पाएगा। इसीलिए यह ध्यान दें कि सड़ी हुई खाद का ही आप है जो कि प्रयोग करें। अब रही रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फेट एवं 20 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करेंगे। इसमें नाइट्रोजन की पूरी मात्रा एवं फास्फेट एवं पोटास की भी पूरी मात्रा अब बुआई के समय अंतिम जुताई के पहले खेत में डाल देंगे।
और तब उसके बाद आप है जो कि गेहूँ की बुआई करेंगे। इसमें लंबी अवधि की परवेज रखी जाती है और इसकी जो पकने की अवधि है करीब 140 से लेकर 150 दिन होती है। ये बात हुई असिंचित गेहूँ की खेती। टाइमली सोन रेनफेड असिंचित अवस्था में जो गेहूँ लगाते हैं उसका प्रबंध होता है C306, फिर HD2888, RW3016, K8027, 8027 ये सब प्रभेद को असिंचित अवस्था में लगाया जाता है क्योंकि ये असिंचित अवस्था में ही अच्छा करता है और उसको डेवलपमेंट जो है उसी समय के लिए उसी सिचुएशन के लिए किया गया है। इसका जो है बीज दर करीब 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर में होता है और इसका दूरी जो है पंक्ति से पंक्ति का दूरी करीब 23 सेंटीमीटर रखते हैं और इसका जो खाद जो देते हैं अंतिम जुताई के टाइम में ही पूरा खाद दिया जाता है। खाद की मात्रा 80 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर, 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टर और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर में दिया जाता है और इसका उपज करीब आपका 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टर में आता है। अब बात करते हैं सिंचित अवस्था में गेहूं की बुआई के बारे में। गेहूं की अधिक उत्पादकता के लिए सिंचित खेती को सबसे अनुकूल माना गया है, इसलिए वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि गेहूं की फसल सिंचित अवस्था में ही करें। सिंचित अवस्था में गेहूं की बुआई का सही समय 15 नवंबर से अंतिम नवंबर उचित है। किसान भाई, अगर आप इस अवस्था में गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए अनुशंसित प्रभेद हम आपको बता रहे हैं, जैसे DBW39, K0307, UP2338, Raj4120, PBW343, PBW443, HW468, K9107, K9006, राजलक्ष्मी और जगदीश। इन सभी प्रभेदों की बुआई आप सिंचित अवस्था में कर सकते हैं, यानी आपके पास अगर सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था है तो इन प्रभेदों को लगाकर आप अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। आइए इस बारे में अपने वैज्ञानिक से भी सलाह ले लेते हैं। अब दूसरा जो एक जो होता है वह है सिंचित समय से बुआई। यदि किसान भाई अपने खेत में गेहूं की भरपूर पैदावार लेना चाहते हैं, अधिक से अधिक पैदावार लेना चाहते हैं, तो यह जो दशा है सबसे अनुकूल दशा है, सबसे सूटेबल दशा है। इसीलिए मैं किसान भाई से गुजारिश करूंगा कि अपने गेहूं की अधिक से अधिक रकबा आप सिंचित समय से बुआई अवस्था में लगाएं। इसके लिए गेहूं की बुआई 15 नवंबर से लेकर के अंतिम नवंबर तक की जाती है। इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी होगी 23 सेंटीमीटर, बीज दर होगा 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यदि पंक्ति बुआई करते हैं तब, किंतु यदि छीटा विधि से बुआई की जाती है तो इसमें बीज का दर 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। इसके लिए अनुशंसित प्रभेद जो हैं वो इस तरह हैं। एक हाल के वर्षों में एक प्रभेद आई है DBW39, K0307, UP2338, Raj4120, PBW343, PBW443, HW468, K9107, K9006 एवं राजलक्ष्मी तथा जगदीश, ऐसे उन्नत किस्म के प्रभेद हैं जिनकी किसान भाई आप सिंचित समय से बुआई अवस्था में कर सकते हैं। इन प्रभेदों की उपज क्षमता है 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।
ये बात हुई सिंचित समय से गेहूं की खेती। सिंचित दशा में रासायनिक उर्वरक मात्रा होगी वह होगी 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फेट एवं पोटाश की मात्रा होगी 40 किलोग्राम। इसमें से फास्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा यानी 60 किलोग्राम अब बुआई के समय अंतिम जुताई के बाद खेत में डाल देंगे, उसके बाद पाटा चला करके अब बुआई करेंगे। शेष जो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा बच गई उसे दो भाग में कर देंगे। पहला भाग यानी 30 किलोग्राम पहली सिंचाई के बाद जब खेत में पैर सहने लगे तो आप उपरिवेशन के रूप में डाल देंगे। शेष जो 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा बच गई उसका उपरिवेशन आप दूसरी सिंचाई के बाद अब खड़ी फसल में करेंगे। उपचार वहाँ जरूरी हो जाती है जहाँ कि किसान भाई अपने खेत के उत्पाद को अपने खेत में जो आप पैदावार लिए जो दाना लिए उसे यदि आप दूसरे साल बीज के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। बीज उपचार के लिए कुछ दवाई आती है, फंजीसाइड आता है जैसे कि बायोस्टिन, विटावैक्स, थीरम, कैप्टान, इनमें से किसी भी दवा का 2 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से आप उससे उपचारित कर सकते हैं। उपचारित करने के लिए बुआई के 3-4 घंटा पहले आप हल्का हल्का बीज के ऊपर पानी डाल दें, किसी ड्रम में, किसी बाल्टी में, किसी हड़िया में, किसी बर्तन में लेकर के और उसमें दवा मिला दें। पानी इतना पड़े कि जो दवा है बीज के हरेक बीज के ऊपर एक सतह बना दें और उसे किसी डंडा से मिला दें, यही बीज उपचार। पर जो बुआई करते हैं जिसमें इरिगेटेड सिचुएशन में वो गेहूं के होते हैं तो उसमें वैरायटी होता है PBW 343, K307, K9107, HD2733, CBW38, Raj 4120, RW346, RW3413। इस सब वैरायटी को समय से लगाया जाता है, 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में लगाया जाता है और इसमें जो है खाद की मात्रा दिया जाता है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। इसका फास्फोरस और पोटास का पूरा मात्रा जो है वो अंतिम जुताई में सोयल में मिट्टी में मिला दिया जाता है और नाइट्रोजन का आधा भाग जो 120 में मतलब 60 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है वो अंतिम जुताई में मिला दिया जाता है। बाकी नाइट्रोजन का जो है वो सिंचाई में पहला सिंचाई में उसका 1/4 दिया जाता है और फिर दूसरा सिंचाई में और 1/4 दिया जाता है। किसान भाइयों, बताए गए इन दोनों अवस्थाओं के अलावा एक और अवस्था में की जाती है जिसे सिंचित विलंब से बुआई कहते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि विलंब से अगर गेहूं की खेती की जाए तो प्रति सप्ताह 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज में कमी आ जाती है। फिर भी अगर किसान भाई इस अवधि में गेहूं की बुआई करने के लिए मजबूर हों तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर इसके लिए उपयुक्त समय है और इसी समय को सिंचित विलंब कहा जाता है। विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि इसमें कलनों की संख्या घट जाती है, इसलिए इस पद्धति में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 18 सेंटीमीटर रखा जाता है। अगर बीज दर की बात करें तो इस अवस्था में पंक्ति से पंक्ति विधि में 150 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर रख सकते हैं और छिड़काव विधि में 160 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रख सकते हैं।
सिंचित अवस्था में विलंब से खेती करने के लिए अनुशंसित प्रभेदों का ही चुनाव करें, जैसे गंगा, राजेश्वरी, DBW 14, NW 20-36, HW 20-45। इन सभी प्रभेदों का चुनाव आप सिंचित विलंब से की परिस्थिति में कर सकते हैं। इन सभी प्रभेदों की उपज क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसमें उर्वरक की मात्रा की बात की जाए तो 80 किलो नेत्रजन यानी नाइट्रोजन या फिर यूरिया, 40 किलो फास्फेट और 20 किलोग्राम पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें नेत्रजन यानी यूरिया की आधी मात्रा और फास्फेट और पोटास की पूरी मात्रा का प्रयोग बुआई के समय ही करना चाहिए और बची हुई यूरिया की मात्रा का छिड़काव पहली सिंचाई के बाद करना चाहिए। अब जो अंतिम अवस्था है वह है सिंचित विलंब से बुआई। हम अध्ययन में पाए हैं 20 दिसंबर के बाद यदि गेहूं की बुआई की जाती है तो प्रति सप्ताह प्रति हेक्टेयर 5 से 6 क्विंटल यील्ड में यानी उपज में घटोतरी होती है, घट जाती है। लेकिन किसान की अपनी मजबूरी होती है, कभी समय से बीज नहीं मिलता है, कभी समय से श्रमिक नहीं मिलता है। इन कारणों से बिहार में गेहूं की खेती मकर संक्रांति तक, कहने का मतलब 14 जनवरी तक की जा सकती है। इसलिए हम लोगों ने अपनी रिसर्च को कुछ इधर की ओर भी मोड़ा, आशा रिसर्च पर हम लोग ध्यान दिए कि जिसमें कि प्रभेदों का चयन आशा किया जाए जिसकी बुआई दिसंबर यानी 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक की जा सके। इसके लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी होगी 18 सेंटीमीटर। किसान भाई, इसमें कलनों की संख्या घट जाती है क्योंकि बुआई के समय टेम्परेचर घट जाता है, जिसमें कल्ला निकलता है उसमें भी टेम्परेचर कम होता है, जिसके चलते कि इसमें कलनों की संख्या घट जाता है। इसीलिए हम लोग पंक्ति से पंक्ति की दूरी 18 सेंटीमीटर कर देते हैं। इसमें बीज दर भी बढ़ा देते हैं। यदि पंक्ति से पंक्ति बुआई करते हैं तो इसमें बीज दर 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। यदि छीटा विधि से करते हैं तो 160 किलोग्राम के आसपास प्रति हेक्टेयर रखेंगे। इसके लिए अनुसंचित प्रभेद है वह इस तरह से है, गंगा, राजेश्वरी, DBW 14, NW 20-36, HW 20-45। ये सब उन्नत किस्म के प्रभेद हैं जिनकी बुआई किसान भाई आप सिंचित दशा में विलंब से यानी 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। इनकी उपज क्षमता है 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसमें जो उर्वरक की मात्रा होगी 80-40-20, यानी 80 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फेट एवं 20 किलोग्राम पोटास। इसमें से नेत्रजन की आधी मात्रा किंतु फास्फेट एवं पोटास की पूरी मात्रा अब बुआई के समय कर देंगे। आधी जो मात्रा बच गई नेत्रजन की उसकी छिड़काव आप उपरिवेशन के रूप में पहली सिंचाई के बाद करेंगे। तो ये हुई सिंचित विलंब से बुआई। गेहूं की खेती के लिए अंतिम अवस्था है सिंचित अति विलंब बुआई। इस अवस्था में गेहूं की खेती जनवरी के प्रथम सप्ताह तक की जाती है। अगर इसके लिए प्रभेदों की बात करें तो उपयुक्त प्रभेद हैं वह इस प्रकार से हैं, PBW 373, HD 2270, HD 2285 और HD 2307 का प्रयोग कर सकते हैं। इस अवस्था में गेहूं की उत्पादन 25 से 30 क्विंटल होगी। अब जो एक जो अंतिम अवस्था है वह है सिंचित अति विलंब बुआई। इसमें गेहूं की खेती पहली सप्ताह जनवरी तक करते हैं। इसमें प्रभेद वही है, कुछ प्रभेद इसमें नए हैं जैसे PBW 373, HD 2270, HD 2285 एवं HD 2307। इन प्रभेदों की बुआई आप सिंचित दशा में पहली सप्ताह जनवरी तक कर सकते हैं। इसमें जो उपज होगी वह होगा 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये हुई कि गेहूं की खेती आप कैसे कर सकते हैं।
दो किसान भाइयों, बताए गए समय के अनुसार अलग अलग अवस्थाओं में आप गेहूं के अनुशंसित प्रभेदों का ही चुनाव करें तो आप निश्चित ही अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं।